सर ये 2-in-1 एडल्ट कम बेबी विंग स्केल का इंस्टॉलेशन का डेमो वीडियो है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको इतना आइटम निकलेगा, एक मेन प्लेटफॉर्म, वेइंग इंडिकेटर, 5 लेग, ये एक इंडिकेटर का क्लेम माउंटिंग, ये इसका बीच का सेंटर रोड और ये इंडिकेटर का स्टैंड और ये बेबी ट्रे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पहले बॉक्स में से जैसे ही आप ये स्ट्रक्चर निकालते हैं तो पहले उल्टा करके आपको ट्रांसपोर्ट प्रोटेक्शन के लिए हमने जो बोल्ट एक लिया है, ये वाला बोल्ट जो हम सेंसर डैमेज ना हो जाए इसलिए ऐसे बोल्ट हम लगाते हैं, ये आपको पूरा निकाल देना है, पूरा निकाल के इसको डिसमेंटल कर देना है। फिर आपको ये जो पाइप, ये जो ये वायर ऐसे बाहर की ओर निकाल देना है और ये चार लेग इस पे लगेंगे, ऐसे समझ लो कि ये ऐसे चार लेग आपको ये पहले लगा देना है, 1, 2, 3 और 4, एक बचेगा वो आपको इसके पीछे लगेगा। फिर आपको ये वाला पाइप जो आपको यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे देख रहे हो आप, ये दो बोल्ट दिए है, ये निकाल के आपको यहाँ पे इसको फिक्स करना है, ये ऐसे ही अच्छे से आपको ये टाइट करके फिक्स कर देना है। फिर आपको ये एलंकी बोल्ट निकाल देना है, पहले ऐसे निकाल देना है। फिर आपको ये ट्रे हाथ में लेना है, ट्रे में इस ये बैक ये एमएस का प्लेट है, ये चार बोल्ट निकाल के उसको बाहर की ओर बाहर निकाल देना है। फिर ये आपको ट्रे यहाँ पे लेके ये जो दो होल दिया यहाँ पे एलंकी लगाना है, ये निकाल के आपको यहाँ पे लगा देना है, ये एमएस प्लेट रख के ये एलंकी बोल्ट अच्छे से टाइट कर देना है। फिर आपको ये वाला बेबी ट्रे आपको इसके ऊपर रखना है, यहाँ होल आपको ये दिए हुए ये छोटे जो चार स्क्रू दो यहाँ अच्छे से वो भी टाइट कर देना है, ये आपका ये स्टैंड फिट हो गया। अभी आपको इसके बाद आपको इंडिकेटर का जो है इंडिकेटर फिट करने का जो स्टैंड है वो आपको यहाँ से ऐसे ये दो बोल्ट पहले निकाल लेना है। फिर इसके बाद आपको ये दो अच्छे से टाइट कर देना है और अभी आपको चार लेग लगा दिया, एक लेग बचेगा वो आपको यहाँ पे इसके पीछे ये पांचवा लेग यहाँ पे इसके सपोर्ट के लिए लगेगा, ऐसे 5 लेग आपका यूज हो गया, ये अच्छे से टाइट कर देना है। फिर आपको ये वाला जो वायर है इसमें ये आपको 5 पिन का सॉकेट है, ये आपको ये पहले इंडिकेटर आपको इसके ये वायर इंडिकेटर में लगेगा, इंडिकेटर आपको ऐसे ये स्टैंड फिट करने के बाद ये दो बोल्ट निकाल के आपको यहाँ पे जो होल दिया है वहाँ पे इसे फिक्स कर देना है। अभी इसके ऊपर ये इंडिकेटर लगेगा, इसमें भी पीछे बोल्ट दिया हुआ है वो लगेगा, ये बोल्ट यहाँ पे दिया है, ये यहाँ पे आपको इस तरह से फिक्स हो जाएगा। फिर आपको ये फिक्स होने के बाद ये जो वाला पिन है ये जो 5 पिन है यहाँ पे ऐसे आपको लगा देना है, ऐसे फिक्स करके ये आपको ये टाइट कर देना है। और ये यहाँ पे इसका चार्जिंग केबल है, डेली आपको 2 घंटे इसका इनबिल्ट बैटरी रहेगा, इसको चार्ज करना है, बाकी आपको डायरेक्ट बैटरी पे चलेगा। फिर आपको लास्ट सब फिटिंग इंस्टॉल हो जाता है तब आपको ये जो 4 लेग यहाँ पे आपने जो सेट किया वो आपको चेक करना है कि कहीं पे से ये हिलना नहीं चाहिए, वो उसके हिसाब से ये लेग आपको सेट कर देना है, नीचे सरफेस पे अच्छे से वो होना चाहिए, कहीं से टच करने से वो हिलना नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू।